18 तारीख की घटना है। हमने दामड़ गांव में जीएनएल नहर निकलती है, जिसमें दोनों नहर के बीच की डिवाइडिंग पटरी पर झाड़ियों में एक फीमेल डेड बॉडी मिली थी, जिसका गला काट रखा था। हमारी पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और सबसे पहला टास्क हमारा उसको आइडेंटिफाई करना था। तो हमने उसको एक आइडेंटिफाई करने में एक छोटा क्लू मिला था कि मृतका की जेब से एक पार्किंग की पर्ची मिली थी, जो कि हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन की थी। उस पर्ची के माध्यम से हम उस पार्किंग तक पहुँचे, लोकल पुलिस भोपाल की हमने मदद ली, उससे हमने उस गाड़ी का पता किया, एक बाइक मिली। उस जो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उसी मृतका दिव्या निरंजन के नाम था। तो उसके घर तक पहुँचे, उनके वारिस तक पहुँचे, उसके भाई यहाँ पर अगले दिन पहुँचे, जिसने अपनी बहन की बॉडी को आइडेंटिफाई किया और फिर स्टोरी सामने आई, वजह उसमें हम चले तो पता चला कि भी ये मृतका जो लड़की थी, इसके हमारे यहाँ रोहतक के ही एक रेसलर वेट लिफ्टर भगत सिंह नाम के बंदे के साथ पहले से रिलेशन थे और उसी रिलेशन में वो अपना उससे शादी करना चाह रही थी, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रहा था। और भगत सिंह के खिलाफ़ इसने हमारे अर्बन स्टेट थाना के अंदर पहले 2018 अक्टूबर में 376 की FIR दर्ज करा रखी थी, उसमें ये बेल पर था। और 16 तारीख फरवरी को ये भोपाल में भी अपनी किसी तारीख पर गया था, वो भी इसी लड़की ने इसके खिलाफ धमकी की, थ्रेटनिंग की FIR करा रखी थी, जो तारीख भुगतने के बाद ये भोपाल से चला था और वहीं से ये इसके साथ चल पड़ी थी। तो ऐसे पीछा करते हुए ये इकट्ठे रास्ते में भी इनका आपस में काफ़ी कहासुनी होती रही थी। और उसके उपरांत जब ये रोहतक में इसके साथ चली गई तो ये अपने घर से इन्हें बाइक उठाई, बाइक से ये अपने नेहरू नहर के साथ जा रहा था, वहाँ इनकी आपस में कहासुनी हुई है और इस भगत सिंह ने इसका मर्डर किया है और इसने एडमिट किया है। जब वहाँ से भोपाल से आई, क्या सहमति के साथ में आई थी इस कोच के या जबरदस्ती इसके पीछे? अभी जो पूछताछ से पता लग रहा है कि भी ये इसके साथ जबरदस्ती ही आ रही थी और इनकी कंसेंट नहीं थी, लेकिन वो इसको छुपाना भी चाह रहा था घर वालों से, और घर वालों से कहीं इसको दोबारा से एक और FIR की धमकी दे रही थी कि भी जैसे आपका खिलाफ पहले से अर्बन स्टेट में FIR है, इसी तरह होकर या तो आप मेरे को एक्सेप्ट करेंगे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने, वहीं रिमांड अप्लाई करेंगे, और भी कोई चीज़ इसमें रहेगी होगी उसको गहनता से पूछताछ करेंगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोशिश करें। गिरफ्तारी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन लग रही थी, हम इनके पीछे लगे हुए थे, अपने सोर्स चल रहे थे हमारे, तो हमारे CIA के इंचार्ज नरेश और नरेश की टीम और हमारे SHO सदर ने मिलकर एक ज्वाइंट टीम बना रखी थी और हमने इसकी सोर्स चला था कि भी हरिद्वार तक पहुंच गया है, तो हम इसका पीछा कर रहे थे, वहीं से हमने अपने सोर्स के माध्यम से इसको राउंड अप किया। सर, इसने को प्लानिंग बनाई थी या उसको अचानक मर्डर कर दिया, कुछ खास? अभी तो यही चीज़ आ रही है कि भी तंग आ रहा था मैं, इसलिए मैंने इसको मर्डर किया है, ये मेरा पीछा कर रही थी और मैं इसे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था।